हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईवी बेसिक्स। ईवी बेसिक्स के इस एपिसोड में बात करेंगे डिटैचेबल एक्सल हब मोटर के लिए। इसके बारे में मेरे चैनल पे काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, मैंने दो वीडियोस भी डाले, उसमें मैंने निशी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया। और अब अच्छी खबर ये है कि बेंगलोर की एक कंपनी मेलाडेथ ऑटो कंपोनेंट्स ने ये डिटैचेबल एक्सल को पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है और एआरआई में अप्लाई किया है इन्होंने, और उम्मीद है कि अक्टूबर 2019 तक इनका अप्रूवल आ जाएगा। ये रेट्रोफिटेबल इलेक्ट्रिक कन्वर्शन किट बनेगी जिसमें फ्रंट व्हील इलेक्ट्रिक हब मोटर लगेगी, जिसमें एक्सल जो है वो रिमूवेबल होगा और जो फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं उसके आईलेट्स के बीच में से एक्सल को हब मोटर के बीच में डाल के उसको इंस्टॉल करेंगे। ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू रिमूव, मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं, कोई फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर्स को कट करने डालने की ज़रूरत नहीं हब मोटर को बिठाने के लिए। और अगर अपने शेड्यूल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2019 में अगर एआरआई का अप्रूवल आ जाता है तो नवंबर 2019 तक ये रेट्रोफिटेबल इलेक्ट्रिक कन्वर्शन किट, जिसको कि मैक ई किट का नाम दिया है मेलाडेथ ऑटो कंपोनेंट्स बेंगलोर ने, ये लॉन्च हो जाएगी। इसके कुछ वीडियोस हैं जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपने जैसे पहले पिक्चर्स देखे कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कुछ ई मोबिलिटी कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया गया है, इसके डेमो दिए गए हैं और प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली टेस्टेड है और रेडी है लॉन्च 2019 में अगर एज़ पर शेड्यूल पेटेंट और एआरआई का अप्रूवल आ जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।